ब्लॉग होने वाली है बॉडी शेपिंग पे। यार आप लोगों को, बहुत लोगों को, तुम लोगों को लगता होगा कि यार अपने चेस्ट के हेयर और बियर्ड वगैरह, जो लोग एकदम क्लीन शेप रखना चाहते हैं, मतलब इतने इतने से भी बाल नहीं रखना चाहते, एकदम क्लीन शेप रहना चाहते हैं, बॉडी शेपिंग मतलब हैंड काप्स थाइस सो और चेस्ट के एब्स के बाल मतलब, तो यार बहुत लोग चाहते हैं एकदम क्लीन शेप रहे। सो उनके लिए वो लोग सोचते हैं कि किस चीज़ से सेव करूँ जो कि एकदम सेफ हो और एकदम स्मूथली हमारे हेयर कट्स हो। सो मैं करता हूँ इससे, ये हाँ मैं करता हूँ जिलेट मैथ्री का, ये जिलेट मैथ्री है जो कि आप अगर फोम विद फोम वाला लोगे तो ये मिलेगा आपको 250 में, एंड अगर आप विदाउट फोम वाला लोगे तो आपको ये 180 में मिल जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा, इसका ब्लेड यार बहुत ही अच्छा रहता है एंड बहुत स्मूथली कट करता है बालों को। और सेकंड थिंग ये कि यार मेरे पास तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास एक और है जिससे मैं करता हूँ, बट मेरे कहा यार इस पर ब्लॉग बना रहा हूँ सो तुम लोगों के लिए नया बना के इस पर अनबॉक्सिंग करता हूँ। सो ये न्यू है एंड एक मैं इसको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। छोटा सा है, एक हफ्ता भी नहीं चलेगा मेरे लिए। तो ये रहा अपना रेजर जो कि बहुत ही, इसका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है, फिनिशिंग बहुत ही प्यारी है एंड यार इसमें आपको, एक सेकेंड, इसमें आपको 3 ब्लेड्स मिलते हैं जो आप देख सकते हैं, इसमें आपको जूम करके दिखा हुआ है, इसमें आपको 3 ब्लेड मिल सकते हैं। और इसके साथ जो फोम मिलता है फ्री है यार इसके साथ, तो बहुत ही छोटा मिलता है जो कि मेरे लिए तो यार एक हफ्ते भी नहीं चलेगा, मन भी ये खत्म हो जाएगा। सो गाइस पहला टॉपिक है हमारा फेस के बियर्ड। सो मैं वीडियो में आप लोग देखो मैं फेस के बियर्ड कैसे शेव करता हूँ, बहुत ही स्मूथली शेव होती है। मतलब ज़्यादा मुझे ज़ोर ज़ोर से ऐसे ऐसे नहीं करना पड़ा, बहुत एकदम स्मूथली कट हुए। सो ऐसे ही शेप देता है ये जिलेट मैक 3। एंड यार सेकंड टॉपिक है हमारा, सेकंड एंड लास्ट टॉपिक है हमारा चेस्ट हेयर, जो कि बहुत लोग शर्ट्स ऐसे खोल के, टी शर्ट्स खोल के और फोटोशूट वगैरह भी कराते हैं, सो उनके लिए जो कि चेस्ट में हेयर और ये एब्स वगैरह पे हेयर नहीं रखना चाहते हैं, सो उनके लिए ये सेकेंड टॉपिक। Pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of that mattress that you stole. चेस्ट के हेयर एकदम स्मूथली, एकदम प्यार से कट हुए हैं, बहुत स्मूथली और चेस्ट एकदम ब्राइट दिखता है। और यार करना भी चाहिए चेस्ट हेयर रिमूव, बिकॉज लुक अगर आप अच्छा चाहते हो तो बहुत ही अजीब टाइप का दिखता है। अगर एक भाषा होती है उस भाषा में अगर कहूँ तो, आप अगर ज़्यादा ही चेस्ट के बाल बड़े बड़े होते तो भालू दिखते हो। सो यार उसके लिए चेस्ट हेयर को रिमूव करना चाहिए एंड यार आप फोटोशूट वगैरह बहुत अच्छी करा सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना और वीडियो शेयर करते रहना।